नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किए 3,000 रुपए के 5 इनामी फरारी बदमाश। फरारी बदमाश दे रहे थे पुलिस को चकमा। सिविल लाइन पुलिस ने अलग अलग 4 पार्टियां बनाकर अलग अलग स्थानों पर फरारी बदमाशों को धर दबोचा। सिविल लाइन पुलिस की छापामार कार्रवाई से कस्बे के अपराधियों में खौफ, अपराधी कर रहे पलायन। ज्ञातव्य हो कि जब से नवागत पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने छतरपुर जिले का कार्यभार संभाला है, तब से उनके द्वारा चलाए जा रहे कई अभियानों के माध्यम से छतरपुर जिले के अपराधियों में काफी भय का माहौल है। आत्तन अपराधियों को गुंडा निगरानी सूची में लाया जा रहा तथा पाक्षिक कॉम्बिंग गश्त के माध्यम से पूरे छतरपुर जिले में अपराधियों, इनामी बदमाश एवं फरारी बदमाश तथा अन्य अवैध कार्य करने वाले अपराधियों के ऊपर पुलिस द्वारा छापेमारी कार्रवाई की जा रही। जिन बदमाशों के ऊपर 4 से 5 अपराध हैं, उनको गुंडा निगरानी से लाया जा रहा तथा सतत निगरानी रखी जा रही। जिन अपराधियों के ऊपर 4 से 5 अपराध कायम है, वह थाना क्षेत्र छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इसी क्रम में रात्रि में कॉम्बिंग गश्त के दौरान सिविल पुलिस लाइन द्वारा बदमाशों एवं अपराधियों के कई ठिकानों पर छापे मारे गए तथा थाना क्षेत्र के गुंडा व निगरानी बदमाशों की चेकिंग की गई। थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान 6 स्थायी वारंटियों एवं 4 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान आबकारी एक्ट के तहत 2 कार्रवाई की गई। लगभग 1 वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारंटी लवलेश शुक्ला पिता दरबारी लाल शुक्ला उम्र 28 साल निवासी रंगुआ व मीठा, स्थायी वारंटी मुन्नू उर्फ अरुण नामदेव पिता नारायण दास नामदेव निवासी धमौरा थाना ओरछा रोड, दो वारंट अत्तू उर्फ पूरन पिता बाबूलाल कुशवाहा पठापुर रोड छतरपुर दशरथ कुशवाहा पिता हरदास कुशवाहा निवासी मरघट आओ पहाड़िया, हरदास कुशवाहा पिता हलकाई कुशवाहा निवासी मरघाट आओ पहाड़िया छतरपुर व गिरफ्तारी वारंटी राधेश्याम उर्फ मोनू राय पिता व हरिशंकर राय गहवरा गौरीहार एवं गिरफ्तारी वारंटी आसिफ खान पिता मुस्ताक खान क्रिश्चियन स्कूल के पीछे थाना कोतवारी छतरपुर को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर 3,000 रुपये का इनाम घोषित है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान आतंक अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 जाफों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए 5 प्रकरण तैयार किए गए तथा 107 116 3 जाफों के तहत 20 प्रकरण तैयार किए गए। कस्बा में शांति भंग करने पर अपराधी कलेक्टर कबाड़ी के विरुद्ध धारा 151 जाफों के तहत गिरफ्तार किया गया। कॉम्बिंग गश्त में दर्जनों समसम तथा 8 जमानती वारंट तामिल करते हुए कस्बे में निवासरत 16 गुंडा तथा 12 निगरानी बदमाशों को चेक किया गया। निर्देशन एवं मार्गदर्शन पुलिस उप महानिरीक्षक ललित शाक्यवार एवं पुलिस अधीक्षक छतरपुर अमित सांघी के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह व नगर पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाइन कमलेश साहू के नेतृत्व में संपूर्ण कार्रवाई की गई। कॉम्बिंग गश्त कार्रवाई में सराहनीय योगदान निरीक्षक कमलेश साहू थाना प्रभारी सिविल लाइन छतरपुर टीम नेतृत्व उन्नी धर्मेंद्र जौनवार सौनी मदन मोहन दुबे सौनी उमाकांत त्रिपाठी सौनी केएल अहिरवार सौनी सुरेंद्र सिंह सौनी सुशीला जादून आर ब्रजेंद्र गुप्ता आर प्रदीप तिवारी आर वीरेंद्र कुमार आर विनोद मिश्रा नेपाल सिंह ब्रजेंद्र यादव हरचरण राजपूत संजय कुमार राजीव मिश्रा जयदेवी काजीउद्दीन धीरेन्द्र नागर कृष्ण अवतार नरेश अंकेश अमर सिंह मुकेश नित्य प्रकाश भगवान दास अजय सिंह आर चंद्रशेखर करण सिंह शिवप्रताप सिंह दिनेश मिश्रा युवराज योगेंद्र सिंह ईश्वर सिंह अरविंद लोधी राजकुमार आकांक्षा वंदना यादव उपासना यादव रानू त्रिपाठी मौजूद है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।